तो राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों आप सबकी। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज मैं आपको जीप की मेरिडियन का फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ। गाड़ी दिखने में कैसी है, क्या क्या इसमें फ़ीचर्स मिलते हैं। हालांकि ये गाड़ी अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये मिड ऑफ 2022 में लॉन्च होगी। तो आज मैं आपको पूरा इसका ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ, गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस कितने होने वाला है, इंजन क्या क्या मिलने वाले हैं आपको, सब कुछ आज की वीडियो में पता चलने वाला है। तो ये वीडियो जो आपको मिली है वो दी फैट बाइकर नाम के यूट्यूब चैनल से मिली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाऊंगा, जाके चेक करना, पूरी वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो आपको जीप की कंपास वाला लुक है इसमें, आपको 7 spoke इसमें आपको ग्रिल मिलने वाली जैसे आपको जीप की कंपास में मिलती है। गाड़ी फ्रंट से काफ़ी शानदार है। लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको प्रोजेक्टर LEDs लैंप्स मिलने वाले हैं, प्रोजेक्टर प्लस LEDs DRS भी काफ़ी शानदार है। इसका कॉम्पिटिटन की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी का जो कॉम्पिटिशन है ना वो आपको टोयोटा फॉर्चूनर, MG ग्लोस्टर, स्कोडा की कोडियाक नाम की गाड़ियों से होने वाला है और ऑल्टो G4 से होने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया कॉम्पिटिशन होने वाला है, 4x4 में गाड़ी आने वाली जैसे आपको पता है। साइड प्रोफाइलिंग की बात करें तो साइड में आपको 18 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, मतलब अच्छे खासे अलॉय व्हील्स हैं। जो आपको जीप कंपास के टायर का साइज़ मिलता है सेम आपको वही साइज़ मिलने वाला है। ये मान लो ये जीप कंपास को लंबा करके 7-seater वाला ऑप्शन निकाल दिया है जो कि जीप की मेरिडियन है। पीछे से बात करें तो गाड़ी के जो टेल लाइट्स है काफ़ी शानदार है, डुअल टोन करके इसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला है, यानी कि ब्लैक रूफ होगा इसका, आपका बॉडी कलर इसका अलग होने वाला है। तो पीछे की टेल लाइट्स में भी आपको काफ़ी शानदार है, जैसे जीप कंपास के LED टेल लाइट्स मिलती हैं उससे थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड आपको मेरिडियन की टेल लाइट्स मिलने वाली है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी शानदार है, ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बनाई गई है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट मिलने वाला है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है ये। आप पीछे की जो थर्ड रो की स्पेसिंग है उसको फोल्ड कर दे तो काफ़ी शानदार आपको बड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। इसमें आपको कप होल्डर्स भी मिलेंगे, पीछे AC वेंट्स भी मिलेंगे, और अगर आप इस गाड़ी की जो सीट्स हैं उसको ऊपर कर दें तो आपको इसमें थर्ड रो की स्पेसिंग भी मिलने वाली है। बाकी देखो ऐसा कुछ गाड़ी का जो पीछे की सीट्स ऊपर होती हैं, 1 touch down और 1 touch up होती है। पीछे की स्पेस ऐसे कुछ है, पीछे भी AC वेंट्स है, लाइट्स है, तो डिसेंट स्पेस आपको मिलेगा पीछे दोस्तों, जहाँ तक है बच्चे ही बैठ पाएंगे, ज़्यादा बड़े एडल्ट इसमें नहीं बैठ पाएंगे। सेकेंड रो की स्पेसिंग में इसमें आपको काफ़ी शानदार स्पेस मिलती है। सीट्स इसकी जीप कंपास वाली ही है, मतलब ये मान लो काफ़ी सारे कॉस्मेटिक जो हैं वो जीप कंपास से लिए गए हैं। पीछे आपको चार्जर मिलेगा, यहाँ पे AC वेंट्स मिलेगा, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा जो बंदा पीछे बैठता है। पीछे आपको यहाँ पे TV का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि रियर इन्फोटेनमेंट स्क्रीन के नाम से आएगा। बाकी इसमें आपको फ्रंट सीट्स की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स इसमें आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और 10 इंचेस का इसमें आपको डिस्प्ले मिलने वाला है जिसमें एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले और 360 कैमरे को सपोर्ट करेगा। फुली डिजिटल इसमें आपको यहाँ पे आपका MID मिलने वाला है और इसका जो इन्फोटेनमेंट है काफ़ी बढ़िया है, प्रीमियम है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी के जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम की है। टच का रिस्पांस बहुत अच्छा है, फीचर्स काफ़ी सारे हैं जैसे मैंने बताया, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इनबिल्ट नेविगेशन, साथ ही साथ 360 डिग्री कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। हिल होल्ड असिस्ट, हिल डाउन असिस्ट का भी ऑप्शन जीप की मेरिडियन में आपको मिलने वाला है। AC वेंट्स काफ़ी शानदार हैं, इसके अलग डिज़ाइन के इसमें आपको AC वेंट्स मिलने वाले हैं, इसका लुक काफ़ी अच्छा निकल के आता है। इसके इंटीरियर में भी आपको लेदर फिनिशिंग मिलने वाली है, फ्रंट में भी यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, एक USB पोर्ट और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और यहाँ पे आपको 4-wheel drive का ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डाउन असिस्ट का ऑप्शन, 2 cup holders मिलेंगे। बीच में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलेगी जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी हेल्पफुल है आपको जब आप ड्राइविंग करते हैं। गियरबॉक्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 6-speed मैनुअल, 9-speed ऑटोमेटिक और 9-speed ऑटोमेटिक के साथ 4-wheel drive का ऑप्शन मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 26-32 lakh रुपए के आसपास आने वाली है जो कि काफ़ी बढ़िया है। बाकी दोस्तों यही था आज की हमारी वीडियो में, एक आपको ओवरव्यू देना था कि जीप की मेरिडियन कैसी दिखती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर ऐसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।